वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दिस ब्यूटीफुल सा मेकअप लुक। और ये एक थोड़ा सा ना वीडियो ना फ्यूजन मेकअप लुक किया। आप देख सकते हो मैंने एक बड़ी क्यूट सी स्वेटशर्ट पहन रखी है जो कि मैंने माइंत्रा से परचेज की थी। उसके साथ मैंने ये झुमकास पहन रखे हैं जो कि मैंने मीशो से लिए थे। साथ में नोज पिन पहनी हुई है और आज मैंने हेयर स्टाइल भी थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश की है। नहीं तो नॉर्मली मैं यू नो ओपन हेयर ही रखती हूँ। तो आज थोड़ा सा ये फ्यूजन टाइप का मेकअप लुक हो गया है मेरा। तो अगर आप देखना चाहते हो ये वाला मेकअप, और हाँ गाइज ये वाला जो मेकअप लुक जितना भी मैंने किया है ना ये सारे ही आज नए प्रोडक्ट के साथ किया है। आप कह सकते हो ये फुल फेस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन आप कह सकते हो। सिर्फ फाउंडेशन जो थी वो मेरी पास नहीं थी, नई मतलब मैंने पुरानी यूज की है, ठीक है। बाकी जितने भी प्रोडक्ट मैंने यूज किए हैं वो सारे ही नए हैं, न्यू परचेज किए थे मैंने अमेजोन से। तो अगर आप देखना चाहते हो वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो मैंने यूज किए हैं इस मेकअप लुक के लिए और ये वाला मेकअप लुक मैंने कैसे अचीव किया है, देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। तो सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट है रिवाइट लिफ्ट क्रिस्टल माइक्रो एसेंस, ये है लॉरियल का और ये मैंने रिसेंट परचेज किया था अमेजोन से। आप देख सकते हो फुल बॉटल मैंने इसकी परचेज की है और मैं इसको काफी ज्यादा पसंद भी कर रही हूँ। और मुझे अपना स्किन प्रेप तो करना ही था मेकअप के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो अभी इसको लगा लेते हैं। इसको लगाने के बाद ना मेकअप बहुत अच्छा होता है, स्किन बहुत ही अच्छे से प्रेप हो जाती है और अगर स्किन अच्छे से प्रेप होगी तो मेकअप ऑब्वियसली अच्छा दिखेगा। ऑल राइट, तो अब बारी आती है मॉइस्चराइज करने की। तो मॉइस्चराइज करने के लिए भी गाइज मैंने भी न्यू परचेज किया है मेरा ये लॉरियल का, ये है रिवाइट लिफ्ट क्रिस्टल फ्रेश हाइड्रेटिंग जेल क्रीम और ये कॉम्बिनेशन स्किन ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है, बहुत ही लाइट वेट है और बिल्कुल भी ग्रीजी नहीं है। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे स्किन पे ना, फील ही नहीं होता कि आपने कुछ मॉइस्चराइजर लगाया है, इतना ज्यादा लाइट वेट है ना। वाटर बेस्ड इसका फॉर्मूला है तो और स्किन को बड़े ही अच्छे से ये मॉइस्चराइज करता है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये रिसेंटली। तो चलिए सबसे पहले अब जो हमारा स्किन प्रेप हो चुका है, स्किन प्रेप के बाद अब बारी आती है हमारे प्राइमर की। तो प्राइमर के लिए गाइस मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ये इनसाइड कॉस्मेटिक्स का पोर मिनिमाइजर प्राइमर। लाइट सॉफ्ट फोकस करता है ये और ब्लर करता है। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं। लेकिन पैकेजिंग इज सो क्यूट, मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी। बहुत ही क्यूट सी पैकेजिंग है, छोटी सी है, ट्रैवल फ्रेंडली है और अंदर से ये कुछ इतना सा लिया है मैंने और ये कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं। ओके, तो वन ड्रॉप ही काफी है मेरे हिसाब से स्किन को प्रेप करने के लिए। Right guys, तो अभी मुझे 4-5 मिनट्स हो चुके हैं प्राइमर को लगाए हुए। अभी आप देख सकते हो मेरी स्किन जो है ना मुझे बहुत ज्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट सी फील हो रही है और काफी हद तक मैं देख पा रही हूँ कि मेरे जो पोर्स है ना वो काफी उसकी विजिबिलिटी जो है वो कम हो गई है। तो मुझे तो ये काफी ज्यादा अच्छा लगा है और काफी अफोर्डेबल भी है, तो मुझे लगता है आप भी इसको ट्राई कर सकते हो, इट्स अ गुड प्रोडक्ट। तो अभी अभी बारी आती है मेरी बेस की, जो कि फाउंडेशन या फिर कंसीलर मुझे कुछ चाहिए। लेकिन फाउंडेशन या कंसीलर मैंने कुछ भी नया परचेज नहीं किया, मेरे पास पहले ही ऑलरेडी बहुत सारी फाउंडेशंस हैं। तो आज मैं अपना पुराना फाउंडेशन ही लगाऊंगी, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चलेंगे, न्यू प्रोडक्ट की तरफ। मैं फटाफट से ऑफलाइन अपना फाउंडेशन करके आती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो मेरा हो गया फाउंडेशन। फाउंडेशन के बाद अब जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं यूज करने वाली हूँ वो होगा मेरा न्यू पैलेट। ये मैंने अमेजोन से परचेज की थी और सिर्फ 299 रुपीज की मैंने फुल पैलेट खरीदी है गाइज। ये बहुत ही सुंदर पैलेट है, ओनली रुपीज 299 और इसमें आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल से आपको शेड्स मिल जाती हैं। कुछ न्यूट्रल शेड्स भी मिल जाते हैं और कुछ स्मोकी के लिए भी मिल जाते हैं, कुछ वेडिंग मेकअप लुक्स के लिए भी मिल जाते हैं। आपको बहुत सुंदर ब्लश मिलता है और एक बहुत सुंदर सा ब्रॉन्जर मिलता है। बहुत ही अच्छी पैलेट है SFR की ये और मुझे देखने में बहुत अच्छी लगी और क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है। तो अब मैं इसी के साथ अपना पूरा मेकअप करने वाली हूँ आज। पूरा मेकअप तो नहीं क्योंकि आज मेरे पास ब्लश ऑलरेडी दो ब्लशेस ऑलरेडी हैं, ये तीसरा हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि आज ये वाला पैलेट से सिर्फ आई मेकअप करेंगे और इसका मैं सोच रही हूँ एक फुल डिटेल रिव्यू भी करूँ। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आप इसका फुल डिटेल रिव्यू देखना चाहते हो। मैं आपको पूरा स्वॉचेस करके दिखाऊंगी और पूरा फुल फेस मेकअप इसके साथ करके दिखाऊंगी। तो चलिए अभी मैं फटाफट से क्या करूंगी, इसके साथ आईब्रोज फिल करूंगी। इसमें एक डार्क ब्राउन शेड दे रखा है इन्होंने, ये मैट शेड है और इसी के साथ मैं अपने आईब्रोज को फिल करूंगी। अलराइट गाइस, अब मैं अपना आई मेकअप स्टार्ट करने वाली हूँ। आई मेकअप के लिए मैं यहाँ पे लूंगी सबसे पहले ये न्यूड सा शेड है, बहुत सुंदर मॉविश पिंक शेड, इसी को लूंगी और अपनी क्रीज के ऊपर लगाऊंगी। मेरी आईज को थोड़ा सा डेप्थ देने के लिए मैं यहाँ से ले रही हूँ डार्क ब्राउन शेड और जरा सा लिया है मैंने और इसके साथ मैं अपनी क्रीज के ऊपर थोड़ा सा लगाऊंगी ताकि जो मेरी आईज है थोड़ी सी डीपन लगे। और अब मैं फिर से वही क्लीन ब्रश लूंगी और इन दोनों को अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी।
सो नेक्स्ट शेड जो मैं लूंगी वो होगा ये प्यारा सा मेटालिक शेड, और ये कॉपरिश मेटालिक शेड है, और इसको मैं अपनी पूरे आईलिड्स के ऊपर लगा दूंगी। वाओ गाइस, लुक एट द पिगमेंटेशन। अभी मैंने ना ब्रश को बिल्कुल भी वेट नहीं किया, अगर मैं वेट करूंगी तो इसके साथ और ज्यादा इसकी पिगमेंटेशन बढ़ जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। बहुत ही अच्छी पिगमेंटेशन है और आप कलर देख सकते हो, बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रहा है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं यूज करने वाली हूँ वो है मेरा आई लाइनर, ये है इनसाइड कॉस्मेटिक का, ये भी मेरी न्यू परचेज थी। ये है इनसाइड का ड्रामेटिक वाटर प्रूफ आई लाइनर, और ये ब्लैक शेड में है, और इसकी छोटी सी क्यूट सी पैकेजिंग है, मुझे इसकी पैकेजिंग काफी ज्यादा अच्छी लगी। नॉर्मल टिप वाला ही ब्रश है इसका, और लेट्स सी, वाओ प्रोडक्ट इज रियली वेरी नाइस। मतलब कहते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, आप देख सकते हो बिल्कुल जेट ब्लैक है, और गाइज ये वाटर प्रूफ भी है, ठीक है। और मुझे इसके साथ आईलाइनर लगाने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुई, आप देख सकते हो इनर कॉर्नर से भी मैंने एक कैट आई लाइनर बनाया आज, मुझे ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। इनसाइड का आईलाइनर बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं आज यूज करने वाली हूँ वो है मेरी न्यू परचेज, ये है 20 समथिंग का कॉन्टोर, ये कुछ इस तरह की इसकी पैकेजिंग आती है, आउटर पैकेजिंग, और ये है 20 समथिंग कपी के कॉन्टोर इन द शेड टी केक्स, ये भी मैंने रिसेंटली अमेजोन से ही परचेज किया है, और ये मैं फर्स्ट टाइम यूज करने वाली हूँ, मैंने इससे पहले नहीं यूज किया है। बस मुझे थोड़ी सी इसकी पैकेजिंग थोड़ी हल्की लगी है, लाइक ये जो चीज है ना बहुत हल्की है, मतलब एक बार अगर गिर गया ना आपके हाथ से पक्का टूट जाएगा, इतना ज्यादा हल्का है। तो मैं इसको लगाऊंगी अपने कॉन्टोर के लिए। वाओ प्रोडक्ट इज गुड नो डाउट, बहुत ही अच्छे कलर, मतलब मेरी ना स्किन पे बहुत अच्छे से सूट कर गया है। तो अगर आप मेरी स्किन टोन की है तो आप डेफिनेटली इस कलर को परचेज कर सकती हो टी केक्स, और आप देख सकते हो ये ब्लेंड भी काफी अच्छे से हो रहा है। सो फार सो गुड, नाइस, आई लाइक इट। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने लिया है सेम 20 समथिंग का ही, ये है इसका ब्लश, ये है कुछ इस तरह की आउटर पैकेजिंग, इनकी पैकेजिंग बहुत ज्यादा क्यूट लगी है, बस ये है कि थोड़ा जो प्लास्टिक का क्वालिटी है वो थोड़ा सा हल्का है, अदरवाइज पैकेजिंग इज सुपर सुपर क्यूट। अगर आप टीनेजर हैं, यू नो बिगिनर हैं, तो शायद उस चीज को सोचते उन्होंने ये प्रोडक्ट लॉन्च किए होंगे। प्रोफेशनल यूज करने के लिए मुझे लगता है ये थोड़े से हल्के लगते हैं देखने में, और अदरवाइज अंदर प्रोडक्ट काफी ज्यादा अच्छा है, और लेट्स सी अभी ये फेस के ऊपर लगाने में कैसा लगता है। काफी अच्छा क्यूट प्रोडक्ट है, अगर आप यू नो टीनेजर हैं, बिगिनर हैं, और अगर आपको अच्छा लगता है मेकअप कलेक्ट करना कुछ अफोर्डेबल रेंज में, तो मैं आपको बोलूंगी आप ये दोनों ही प्रोडक्ट ट्राई कर सकते हो, काफी अच्छे हैं। तो अब बारी आती है लिप लाइनर की, जो मैंने परचेज किया था, ये न्यू परचेज थी, ये है इनसाइड का, ये है सुपर लिप लाइनर, और इसमें मेरे पास जो शेड है वो मैंने हॉल में बताया भी था शायद, होम गर्ल। इसके साथ आपको एक शॉर्पनर भी फ्री मिलता है, और ताकि आप इजीली यू नो शॉप कर सको, और इसको ही मैं आज लगाऊंगी अपने लिप्स पे। गाइज इट्स अ ब्राउनिश मॉव शेड, इट्स अ मॉव शेड विद हिंट ऑफ ब्राउन, या आप बोल सकते हो इट्स अ ब्राउन शेड हिंट ऑफ मॉव। इट्स रियली वेरी वेरी क्रीमी, लेकिन ये बहुत अच्छे से मैट हो जाता है। तो अब बारी आती है लिपस्टिक की, तो लिपस्टिक के लिए आज मेरे पास दो दो ऑप्शन है। मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन है, ये है स्विस ब्यूटी की सॉफ्ट मैट लिप क्रीम इन द शेड आइकॉनिक न्यूड, और सेकंड मेरे पास है लिपस्टिक, ये है इनसाइड की मैट लिप इंक, और इसमें मेरे पास जो शेड है ये है ब्लडी हेल 02, ये प्रॉपर प्रॉपर रेड शेड है, और ये एक प्रॉपर पीची न्यूड शेड है, और मैं भी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही, वैसे तो ये दोनों ही शेड इस मेकअप लुक के साथ चल सकते हैं, लेकिन आज मेरा मन है कुछ रेड रेड लगाने का, क्योंकि ये वाला शेड मैंने ऑलरेडी, अगर आपको इसका स्वॉच देखना भी है ना कि लिप्स के ऊपर कैसा लगता है, तो मैंने ये वाला शेड लगा रखा था ऑलरेडी अमेजोन के मेरे हॉल वीडियो में जो भी रिसेंटली गया है पीछे, तो अब अगर आपको देखना हुआ तो आप उसमें भी देख सकते हो, स्वॉच भी दिखाया है मैंने, इसका हैंड स्वॉच भी दिखाया था, और लिप्स पे कैसा लगता है वो भी दिखाया था। तो आज मैं इसको लगा के दिखाऊंगी आपको लिप्स के ऊपर। गाइज इसका फॉर्मूला ऑलरेडी मैं इसको ट्राई कर चुकी हूँ, ये आज मैं सेकंड टाइम यूज कर रही हूँ, मुझे ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है। इसका फॉर्मूला इज टोटली डिफरेंट, आपने अभी तक जितनी भी लिक्विड लिपस्टिक्स ट्राई की होंगी ना, आपको अगर आप इसको ट्राई करेंगे, सिर्फ 110 रुपए में आती है ये, मैं कहूंगी आप कोई भी शेड एक लेकर देखें, बहुत ही अच्छा है। आई एम श्योर आपको मन करेगा कि आप एक और शेड ले लें, इतना बढ़िया इसका क्वालिटी है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं करती है, लिप्स के ऊपर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ही अच्छा वेलवेटी टेक्सचर है इसका, इसकी जो फील है ना इस लिपस्टिक की गाइस बिल्कुल हाई एंड लिपस्टिक की तरह है,
मुझे अलग से लगता है कि आपको इसको जरूर ट्राई करना चाहिए, कोई ना कोई शेड आप जरूर इसको लीजिए, मस्ट ट्राई। द लास्ट प्रोडक्ट जो है इस पूरे मेकअप का वो है गाइज इनसाइड कॉस्मेटिक का, ये है मेकअप फिक्सर स्प्रे, लॉन्ग लास्टिंग मेकअप फिक्सर, नॉन स्टिकी एंड रिफ्रेशेस। इसको मैंने ट्राई किया था ऑलरेडी, जब मैंने इसको दिखाया था आपको अमेजोन के हॉल में ट्राई करके देखा था। थोड़ा सा फ्रेग्रेंस वाला है लेकिन ठीक है, मतलब बिल्कुल अल्कोहल वाली फ्रेग्रेंस नहीं आती है, हल्की सी इन्होंने परफ्यूम डाल रखी है। तो मैं इसको सबसे पहले शेक करूंगी अच्छी तरह से और इसको अपने पूरे फेस पे लगा लूंगी। आई लव इट, अच्छा लगता है, मतलब इसका ना स्प्रे काफी अच्छा है, लगता नहीं है कि कुछ सस्ता वाला कुछ यूज कर रहे हैं। इट्स अ गुड प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट मैं लगाना बिल्कुल ही भूल गई, वो था मेरा हाइलाइटर, और हाइलाइटर के लिए आज मैं यूज कर रही हूँ, ये है नायका का, ये भी मेरा न्यू परचेज था। ये है नायका का कॉन्टोर एंड कॉन्कोर हाइलाइटर ड्यूओ इन द शेड सिजल चिजल। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट गाइस, मेड इन इटली, और आप देख सकते हो इसमें बहुत ही प्यारा सा आपको ब्रॉन्जर मिलता है, कॉन्टोर मिलता है, और एक आपको बहुत ही प्यारा हाइलाइटर मिलता है। इसका मैं आपको स्वॉच भी दिखा दूँ। इट्स अ ब्यूटीफुल हाइलाइटर, इस शेड का हाइलाइटर मेरे पास कोई था भी नहीं तो मैं इसलिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। ओके, मैं ढूंढ रही हूँ ब्रश, एक्चुअली मुझे ब्रश नहीं मिल रहा हाइलाइटर के लिए। Can you see? It's a beautiful, बहुत ही सुंदर लगता है गाइस लगाया हुआ, बहुत ज्यादा चंकी ग्लिटर्स नहीं है इसके अंदर, बहुत ज्यादा यू नो ऐसे वो बैंग ऑन टाइप का हाईलाइटर नहीं है, बहुत सटल सा हाईलाइटर है और आपकी चीक्स को बहुत सुंदर लगता है, आपका ऐसा लगता है कुछ बहुत एक्सपेंसिव सा कुछ लगा रखा है। आई लव इट। तो चलिए मैं फटाफट से तैयार होकर आती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। सो गाइस दिस इज माई फिनिश फाइनल लुक, आई होप यू लाइक इट। और आज का जो मेकअप लुक था ना गाइस, बहुत ही ज्यादा मैं एक्साइटेड थी इस मेकअप लुक के लिए, क्योंकि नए प्रोडक्ट जब यूज करने होते हैं ना तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है कि कुछ नया नया ट्राई करने को होता है, और सबसे अच्छी बात ये हो जाती है कि एक तो ट्राई भी हो जाता है और आप लोग के साथ यू नो साथ के साथ रिव्यू शेयर हो जाता है कि प्रोडक्ट कैसे हैं, अच्छे हैं या नहीं अच्छे हैं, लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। आज के पूरे मेकअप लुक के लिए ना मुझे कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं लगा कि यार मुझे पसंद नहीं आया, ये अच्छा नहीं लगा। आज के सारे ही प्रोडक्ट मुझे बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल लगे और बहुत ही ज्यादा अच्छे लगी, और ये था आज का मेरा मेकअप लुक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा अगर आप पहली बार देख रहे थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।